सबसे पहले आपको आपकी फिल्म की मुबारकबाद, और इससे पहले भी आपका ट्रेलर पोस्टर लॉन्च हुआ था और आज आपका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो किस तरह की फिल्म है और किस क्षेत्र की घटना है? जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये पुराने लखनऊ रुस्तम नगर की घटना है और ये एक सत्य घटना है। हमारे शावेद भाई हैं, पूरी फिल्म उनके कथा रही थी जिसका आज प्रोमो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। किस तरह की स्टोरी फिल्म में क्या दिखाया है? फिल्म में जो घरेलू हिंसाएँ होती हैं आफ्टर मैरिज, तो हम लोग ने वही कोशिश की है दिखाने की। इस फिल्म के राइटर कौन है? डायरेक्टर हमारे आ नहीं पाए क्योंकि यस्टरडे उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, वो आ नहीं पाए किसी वजह से। नाम बता दें। वसीम खराब आती शामिल जी, ये फिल्म आप पे आधारित है, तो इसमें किस तरह का रोल आप कर रहे हैं और ये सोच आपको कहाँ से मिली कि हम फिल्म बनाएं? एक्चुअली सरताज भाई की यहाँ पे मेरे जुनून की एक शूटिंग चल रही थी, तो फिर ऐसे ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि ठीक है हम भी एक अपनी लाइफ स्टोरी को बना देते हैं जो हमारे साथ हुआ है। क्या कुछ स्टोरी दिखाई गई है उसमें? हाँ स्टोरी तो उसमें दिखलाई है कि अभी मतलब सारी चीज़ें तो नहीं ओपन करेंगे, मेहनत करेंगे ऐसे ही बता देंगे। तो अभी आप लोग इसमें कितने कलाकार हैं? इसमें टोटल कलेक्टर ही होंगे, वो करीब 10 से 12 होंगे। मेन रोल कौन कर रहा है इसमें? इसमें मेन रोल हम प्ले कर रहे हैं शावेद भाई का, और बाकी निगेटिव रोल में हमारे ये हैं और शावेद की वाइफ का रोल हमारी मैडम कर रही हैं। किस तरह का रोल आप इसमें कर रही हैं, क्या नाम है उस फिल्म में आपका? जी मेरा नाम उस फिल्म में पलक है एंड मैं एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही हूँ, लाइक आई एम बीइंग द वाइफ ऑफ शावेद जी। ये कहाँ ये फिल्म ये शूट की जाएगी पूरी फिल्म? क्योंकि अभी तो कोई प्लान हम लोगों ने कुछ किया है कुछ नहीं किया है, तो ये कहना मुश्किल है कहाँ करेंगे, वो तो डिपेंड करता है जब हम उसको, क्योंकि लगभग मेरी आधी फिल्म शूट हो चुकी है, आगे का जैसा डायरेक्टर साहब कहेंगे उसको फॉलो करेंगे। इसमें कितने बजट की फिल्म है? ये बजट हमारा जाए करीब 8 से 10 लाख के आसपास। ये फिल्म जो आप शूट कर रहे हैं इसमें किसी का सपोर्ट, कोई पॉलिटिक्स या कोई सपोर्ट किसी तरह का, या कोई है पॉलिटिशियन सपोर्ट है हम लोगों के और आगे भी रहेंगे? और फिल्म के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बताना चाहते कि रात को रात रहने दें, जब बाद में आएगी तो फिर आप लोगों को एक्साइटमेंट बढ़ेगा, इस वजह से हम लोग उसको ना ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहे। जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि ये पुराने क्षेत्र यानी रुस्तम नगर की घटना है और सच्ची घटना पे आधारित है, तो क्या इसको लेके आपके पास किसी तरह के फोन्स या आपको धमकियाँ भी आपको मिली हैं? देखिए हमें डायरेक्ट तो धमकियाँ नहीं मिली हैं, बट हमें डायरेक्ट धमकियाँ काफ़ी आई हैं, कॉल्स भी आई हैं, किसी ने प्यार से धमकी दी है, किसी ने गाला गलौज की है, बट उसका असर हम लोग को नहीं होना है। हमें जो करना है वो करना है, जो सच्चाई है वो हम दिखाएंगे। कब तक दर्शक देख पाएंगे ये आपकी फिल्म? ये हमें लगता है, देखिए हमें आधी मूवी शूट हो चुकी है, बाकी काम चल रहा है, हमें लगता है कि ये दिवाली के बाद आपको मिल जाएगी। किसके माध्यम से दर्शक आपकी इस फिल्म को देखेंगे? देखिए हमारे कई प्लेटफॉर्म पर बात चल रही है, तो ये अभी कहना मुश्किल है। तो अभी ये छोटे ही पर्दे पर रिलीज होगी, कोई डेट डिसाइड हुई है इसकी? अभी नहीं, अभी कोई। लखनऊ